Great morning, class. I hope you all are fine. In today's lecture, we are going to understand two topics. Our first topic is header and second topic is footer. Now, firstly, the question arises, what is a header and footer? So, header is nothing but it is a part or section of the document that appears in the top margin. Whereas, footer is the that part of a document that appears in the bottom margin. आपको मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट पता है क्लास? इन प्रीवियस प्रैक्टिकल आई हैव शोन कि आपका जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसके अराउंड एक मार्जिन होता है एंड उस मार्जिन के अंदर आप नॉर्मली नहीं लिखते हो. आफ्टर दैट जो रिमेनिंग टेक्स्ट जो बॉडी बचती है उस डॉक्यूमेंट की उसी के अंदर हम टेक्स्ट राइट करते हैं. लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी मार्जिन्स होती है टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, अब हम सीखेंगे कि उसके अंदर कैसे लिख सकते हैं एंड उस टेक्स्ट को हमने क्या नाम दिया है. इफ आई एम एबल टू राइट समथिंग इन माई टॉप मार्जिन देन दैट इज नोन एज योर हेडर एंड इफ आई एम एबल टू राइट समथिंग इन योर बॉटम मार्जिन देन दैट इज नोन एज योर फुटर. अब फायदा क्या रहता है इस हेडर एंड फुटर का? व्हाई आर वी राइटिंग इन मार्जिन? जब मेरे पास एक प्रॉपर मेन पार्ट है, मेन डॉक्यूमेंट एरिया है, देन व्हाई एम आई यूजिंग माय मार्जिन? तो बेसिकली समटाइम्स वी नीड टू राइट सम इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू अपीयर ऑन ईच पेज. हम कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की हर पेज पर आए. जैसे कई बार होता है ना, आपने अपनी कंप्यूटर की बुक में भी देखा होगा कि बॉटम में आपकी बुक का नेम लिखा हुआ है किप्स पब्लिकेशन एंड वो हर पेज पे लिखा हुआ है. अब एक है कि मैं हर पेज पे उसको टाइप करूं, एक है कि मैं उसको एक ही बार लिखूं एंड वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे आता जाए. तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट था कि मैं हर बार टाइप करूं वो तो हेक्टिक है. ऑब्वियसली इतना लंबा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद मैं फिर से बुक का नेम लिख रही हूँ वो थोड़ा वो हम नहीं करेंगे, वो हेक्टिक पड़ जाता है. तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन था कि मैं सिर्फ एक ही बार लिखूं और वो हर पेज पे चीज आती जाए, वो कि पब्लिकेशन हर पेज पे लिखा जाए, तो ये जो फैसिलिटी है मेरे पास हेडर एंड फुटर देते हैं. हेडर कहाँ पे आ रहा था? टॉप मार्जिन पे आ रहा था. तो हेडर क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर लिखोगे, हेडर सेक्शन में आप जो भी चीज लिखोगे वो हमेशा बुक का जो टॉप होता है, जो बुक की मार्जिन होती है टॉप मार्जिन, उस पे हर पेज पे आ जाएगा. मान लो आपने बुक का नेम लिख दिया या ऑथर का नेम लिख दिया या आप जो चैप्टर नेम लिख दिया या आपने टाइटल लिख दिया, जो भी चीज आपको लिखनी थी दैट इज योर रिक्वायरमेंट, बट वो हर पेज पे आएगी उसके हेडर सेक्शन में. और उसी टाइप से अगर आपने बॉटम मार्जिन जो नीचे वाली मार्जिन थी उसके अंदर अगर आपने कोई भी चीज लिख दी, ठीक है, फुटर सेक्शन के अंदर, तो वो आपकी हर पेज पे आएगी. जैसे आपने नोटिस किया होगा पेज नंबर्स, तो पेज नंबर्स हम फुटर सेक्शन में डालते हैं, हम खुद टाइप नहीं करते हैं फुटर्स को, हम हर पेज पे जाके पेज नंबर नहीं लिखते. व्हेनेवर वी आर मेकिंग दिस बुक और एनी डॉक्यूमेंट, हम सिर्फ एक ही बार वन ही लिखेंगे एंड ऑटोमेटिकली वो ऑटो जनरेट होता रहेगा और नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे 2, 3, 4 करके आता रहेगा. या फिर अगर मुझे कोई लाइन प्रिंट करवानी है, मान लो जैसे आपकी बुक के अंदर बुक का नेम है, तो मैं एक ही बार लिखूंगी, बाकी रिमेनिंग जितने भी पेजेस होंगे मेरे उस डॉक्यूमेंट में उनके अंदर वो बुक नेम ऑटोमेटिकली आएगा. तो इन चीजों के लिए वी आर यूजिंग हेडर एंड फुटर. इसके अलावा वी कैन यूज हेडर एंड फुटर टू एड डेट एंड टाइम. वी कैन इवन इंसर्ट अ पिक्चर इन आर हेडर एंड फुटर बार. तो आज हम यही सब पढ़ेंगे इन आर प्रैक्टिकल क्लास, टू हाउ टू ऐड हेडर एंड फुटर एंड हाउ वी कैन इंसर्ट डेट एंड टाइम, पेज नंबर्स एंड पिक्चर. सो आई होप क्लास यू विल एंजॉय द लेक्चर. थैंक यू. ओके क्लास, आर फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज हेडर्स. तो फर्स्टली व्हाट इज अ हेडर? हेडर इज अ सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन. It includes date, author name, book title, logo, etc. Text entered in the header section will appear on each page of the document. Class, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ text आपको पहले भी बताया था, जो भी words, sentences आप लिखते हो इन कंप्यूटर उसको हम क्या बोल देते हैं? टेक्स्ट बोल देते हैं. कई बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो भी टेक्स्ट हम एंटर करते हैं हम चाहते हैं कि वो हर पेज पर आए हमारे डॉक्यूमेंट की,
ठीक है, तो ऐसा काम कौन कर सकता है? हेडर कर सकता है, क्योंकि हेडर क्या करेगा कि जो भी हम टेक्स्ट एंटर करेंगे हेडर सेक्शन के अंदर, वो हर पेज के ऊपर आएगा। किस पे आएगा? हर पेज पे। ठीक है, हेडर क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है या इंक्लूड कर सकता है? आप इस पे हो सकता है डेट हर पेज पे लिखवाना चाहो, हो सकता है बुक का नेम आप हर पेज पे लिखवाना चाहो, या फिर बुक का टाइटल, या फिर ऑथर का जो नेम है जिसने ये बुक बनाई है उसका नेम, या फिर कई बार हम लोगो, मान लो मैं किसी कंपनी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बना रही हूँ तो उस कंपनी का जो लोगो होता है वो मैं हर पेज पे दिखाना चाहूँ, तो इन ऑल दीज केसेस आई कैन यूज़ अ हेडर। और हेडर होता कहाँ पे है? टॉप मार्जिन में। टॉप मार्जिन कौन सा होता है? ये वाला। तो हमारा हेडर भी इसी में मिलेगा। बट अगर आपने कभी एमएस वर्ड में वर्क किया हो तो आपको पता होगा, अगर मैं अपना कर्सर यहाँ लेकर जाऊँ और अब मैं बैकस्पेस दबाऊँ तो इससे पीछे तो मैं अपना कर्सर ले जा ही नहीं सकती, तो मैं मार्जिन में लिखूँगी कैसे? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आया ना कि अभी मैंने बैकस्पेस की की दबा रही हूँ लेकिन मैं इससे ऊपर तो जा ही नहीं पा रही। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ आर हेडर, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको पहले मैं सेंटर में कर देती हूँ बिकॉज इट इज़ माई टाइटल एंड आई एम यूजिंग दी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, जो मैंने आपको बताया था अलाइनमेंट की। अब अगर आपको हेडर करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंसर्ट टैब के ऊपर जाओगे। कौन से टैब में? इंसर्ट। ये हमारा टैब है इंसर्ट वाला, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको हेडर एंड फुटर का ग्रुप मिलेगा। ये दिख रहा है हेडर एंड फुटर ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर मेरे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, फर्स्ट इज़ हेडर, सेकंड इज़ फुटर एंड थर्ड इज़ पेज नंबर। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेडर को ऐड करना है, तो मैं किस पे क्लिक कर दूंगी? हेडर पे। अब इसमें से क्या आ गई, मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है स्टाइल्स ऑफ हेडर की। देखो ये एक टाइप का स्टाइल है हेडर का, ये दूसरा है, इसके अंदर मैं एक टाइप हेयर मतलब एक जगह लिख सकती हूँ। इसमें मेरे पास कॉलम्स है, तीन कॉलम, मान लो मैं तीन चीज़ें लिखना चाहूँ अगर अपने हेडर सेक्शन में तो वो लिख सकती हूँ। ये एक और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है, ये टाइटल के लिए है। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ एरो पे, तो जोन से वाला हेडर का स्टाइल आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत सारे स्टाइल्स हमें प्रोवाइडेड है, तो जो भी आपका स्टाइल ऑफ इंटरेस्ट हो या आपके रिक्वायरमेंट को सूट करे यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर स्टाइल, ठीक है, ऑफ हेडर। जैसे मान लो मैंने ये वाला ले लिया डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया अब आप यहाँ पर देखो टॉप मार्जिन के ऊपर आपका कर्सर आ रहा है। आपका कर्सर कहाँ आ रहा है? टॉप मार्जिन के ऊपर। अब आप अपने कर्सर को यहाँ रखो, आप जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाहते हो, मान लो मैं लिखना चाहती हूँ किप्स पब्लिकेशन क्योंकि हम उसी के बुक्स पढ़ते हैं, तो आई एम टाइपिंग किप्स पब्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कंट्रोल ही करके सेंटर में कर देती हूँ। अब इसके बाद आपने हेडर लिख दिया ना, अब आप एक चीज़ देखो कि जैसे ही आपने हेडर में वर्क कर रहे हो तो बाकी आपका जो डेटा है वो लॉक है, आपको वो थोड़ा हेजी सा दिख रहा होगा, ब्लर सा दिख रहा होगा, है ना, मतलब आप इसमें अभी वर्क नहीं कर पा रहे। जब आपका हेडर सेक्शन पे आप वर्क कर रहे हो उस टाइम पे आप बाकी के डॉक्यूमेंट पे वर्क नहीं कर सकते। एक बार आपने अपना हेडर सेक्शन कर लिया, मान लो अब यहाँ रोटेशन का है, मैं इसको इस ढंग से रोटेट भी कर सकती हूँ, ठीक है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे ही रखना है, जब मेरा सेट हो जाता है हेडर तो उसके बाद अब मुझे हेडर को क्लोज करना होता है। हेडर क्लोज करने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैं क्लोज हेडर एंड फुटर पे कर दूं, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी मेरा हेडर क्लोज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मेरा क्या होता है, मैं इस्केप, मेरे कीबोर्ड पे जो ESC की होती है ना, फर्स्ट की होती है इस्केप की, मैं उसको प्रेस कर सकती हूँ। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि मैं अपने ये जो रिमेनिंग का डॉक्यूमेंट है कहीं पे भी अगर डबल क्लिक करूँगी अपने माउस से, मैं कहीं भी डबल क्लिक करूँगी इस मेन डॉक्यूमेंट एरिया में, तब भी मेरा जो हेडर है वो सेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो फॉर नाउ मैं इसी पे क्लिक कर रही हूँ, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया यू कैन सी मेरा हेडर सेक्शन जो है ख़त्म, वो मतलब एंड हो गया है और वो लॉक हो गया है। अब मैं हेडर में वर्क नहीं कर सकती, मेरा कर्सर फिर से कहाँ पर आ गया है, मेन डॉक्यूमेंट पे आ गया है। अब मैं हेडर में वर्क नहीं कर सकती, अगर मुझे हेडर में वर्क करना है तो मुझे हेडर सेक्शन में डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो मेरा मेन डॉक्यूमेंट लॉक हो जाएगा, अब मैं हेडर में चेंजेस कर सकती हूँ। एक बार मेरा हेडर में काम हो जाता, अभी सेकंड वे देखते हैं बंद करने का, जैसे मैंने डबल क्लिक कर दिया
तो अब क्या हुआ, मेरा मेन डॉक्यूमेंट जो है मैं उसमें वर्क कर सकती हूँ, पर मेरा जो हेडर सेक्शन है वो क्या है, लॉक हो गया। तो अभी आपको समझ में आया व्हाट इज़ हेडर। हेडर हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि टॉप मार्जिन में आता है। आपका टॉप मार्जिन ये था, यहाँ पे आपने जो भी लिखना था लिख लिया। अच्छा, अब यह हमने फिर क्या पढ़ा था, टेक्स्ट एंटर्ड इन हेडर सेक्शन विल अपीयर ऑन ईच पेज। ईच पेज बोला था ना, ये फर्स्ट पेज था, अभी हम सेकेंड पेज देखते हैं। चलो, ये है मेरा सेकेंड पेज, ठीक है। अभी सेकेंड पेज पे ही आ रहा है हेडर, अभी और नीचे चलते हैं तो ये आ रहा है मेरा थर्ड पेज। अगेन मेरे थर्ड पेज पे भी क्या है, हेडर है। मेरे थ्री पेजेस थे, पेज थ्री ऑफ थ्री आया हुआ है, तो मेरे थर्ड पेज पे भी ये हेडर आ रहा है, मेरे सेकेंड पेज पे भी ये हेडर आ रहा है, और मेरे फर्स्ट पेज पे भी ये हेडर आ रहा है। और हमने हेडर के बारे में यही पढ़ा था कि जो टेक्स्ट हम हेडर सेक्शन में लिखेंगे, जो हम एंटर करेंगे, दैट विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑफ यूजिंग हेडर। अब क्लास, मान लो आपने जो ये हेडर लगाया है, आपने जो ये किप्स पब्लिकेशन का हेडर लिखा हुआ है, आपको ये पसंद नहीं आया या आपको ये चेंज करना है, आप सोच रहे हो कि मुझे हेडर नहीं लगाना चाहिए, यानी अब आप क्या करना चाहते हो, इस हेडर को रिमूव करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये हेडर सेक्शन है इस पर डबल क्लिक करो। जैसे ये डबल क्लिक होगा तो आपका डिज़ाइन टैब खुल जाएगा। डिज़ाइन टैब के अंदर आपका हेडर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो, और इसमें जो आपका सेकेंड लास्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, रिमूव हेडर। कौन सा ऑप्शन है, रिमूव हेडर, आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपका जो भी हेडर इस पर लगा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपका हेडर तो रिमूव हो चुका है, तो आप जस्ट आप क्या कर दो, अब जस्ट क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दो। तो क्लोज करते ही अब आप देखो, आपका जो हेडर था किप्स पब्लिकेशन, वो ना ही आपके फर्स्ट पेज पे है। हम सेकंड चेक करते हैं, सेकंड पेज से भी चला गया, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड पेज, देखो थर्ड पे भी नहीं है। तो आपका जो वो ऑप्शन था, जो आपका हेडर था किप्स पब्लिकेशन का, जब आपने रिमूव किया, तो आप रिमूव तो उसको सिर्फ फर्स्ट पेज से करोगे, लेकिन ऑटोमेटिकली जितने भी पेजेस होंगे आपके डॉक्यूमेंट में, से 40, 50, 60, वो ऑटोमेटिकली उन 60 के 60 पेजेस से रिमूव हो जाएगा। आपको सिर्फ वन टाइम ही उसको डिलीट करना है, ठीक है। और करना कैसे था, आपने उसको सिंपल डबल क्लिक करके रिमूव हेडर पे क्लिक करना था, ठीक है। अभी ये हमने एक चीज़ सीखी कि हम अपने हेडर में कोई टाइटल या किसी बुक का नेम, ऑथर का नेम कैसे लिख सकते हैं। हेडर में हम इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशंस डाल सकते हैं, जैसे हम डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर मैं अपने हेडर के अंदर डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। उसके लिए पहला स्टेप मेरा सेम रहेगा, दैट आई हैव टू डबल क्लिक ऑन द हेडर एरिया। हेडर एरिया पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ये देखो आपका डिज़ाइन टैब फिर से ओपन हो गया। डिज़ाइन टैब के अंदर आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करते ही देखो आपका डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। लैंग्वेज उसने आपको शो कर दिया इंग्लिश। अब वो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखा रहा है। ये क्या है, फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट में भी आप डेट एंड टाइम को लेना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। मान लो मेरे को ये वाला अच्छा लगा, मैंने इस पर क्या किया, ओके। अच्छा, एक ये ऑप्शन होता है अपडेट ऑटोमेटिकली। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ पे हो सकता है कि करंट डेट एंड टाइम ना आए, जैसे अभी तो आ रहा है, बट इन सम केस अगर करंट डेट एंड टाइम ना आए तो आप इसको टिक कर देना। जैसे ही आप टिक करते हो ना, यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम आ जाता है जो आपका सिस्टम का है। जैसे मेरे सिस्टम का यही टाइम है और डेट भी यही है, और अपडेट ऑटोमेटिकली पे टिक था, इसलिए वो आज का ही डेट एंड टाइम शो कर रहा है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी, यू कैन सी डेट एंड टाइम आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। मेरा हेडर सेट हो गया डेट एंड टाइम के लिए। अब मैं ये चेक करती हूँ कि क्या ये सारे पेजेस पे आया है। यस, दिस इज माय पेज नंबर टू, उस पे भी आया है, एंड दिस इज माय पेज नंबर थ्री, उस पे भी आया है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे फिर से डबल क्लिक करना है। डिज़ाइन टैब के अंदर मुझे डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, एंड उस डेट एंड टाइम ऑप्शन में जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, डेट टाइम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप उसमें अपना जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हो, दैट इज़ योर विश, यू कैन सेलेक्ट योर फॉर्मेट। और उसके बाद आप जैसे ही क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करोगे, तो आपका हेडर ऑन ऑल पेजेस आ जाएगा। सेम चीज़ है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, गो हेडर पे जाओ,
क्लिक ऑन रिमूव हेडर, रिमूव हो गया, क्लोज कर दो इसको, तो आपका हेडर ऑटोमेटिकली सारे के सारी शीट से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग जो हम अब देखेंगे जो हम हेडर में डाल सकते हैं वो है पिक्चर। देखो कई बार हम चाहते हैं कि हमारे हेडर में कंपनी का लोगो आए या स्कूल का लोगो आए, तो हम वो भी यस ऐड कर सकते हैं एक हेडर के अंदर। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर मैं इस सेक्शन में कोई पिक्चर को ऐड करना चाहती हूँ, इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करते ही अब आपको पिक्चर्स का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन दैट पिक्चर्स। पिक्चर पे क्लिक करते ही जौन सी पिक्चर आपको ऐड करनी है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ये वाली करनी है और मैंने इस इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, इमेज आ गई। अब इसको मैं सेट कर सकती हूँ एज पर माई चॉइस, रोटेट कर सकती हूँ, जो भी मुझे करना है, हल्का सा रोटेट कर देते हैं, चलो ठीक है, रोटेट कर दी। उसके बाद जब मेरा हो गया तो मैं यहाँ डबल क्लिक कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरे फर्स्ट पेज पे सेट हुई। अभी मैं सेकंड पेज पे चलती हूँ, सेकंड पे भी आ रही है, एंड मैं थर्ड पे जाऊंगी तो थर्ड पे भी आ रही है। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक इमेज को, एक पिक्चर को सेट कर लिया एज अ हेडर, ठीक है, मैंने क्या किया एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिया एज अ हेडर। बस किस आइकन पे गई हूँ मैं, पिक्चर आइकन पे गई हूँ, बाकी सारे स्टेप सेम है। और वही चीज़ है, अगर इसको भी मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक करो, हेडर पे जाओ, रिमूव हेडर पे क्लिक करो और इसको क्लोज कर दो। जैसे ही आप क्लोज करोगे आपका जो वो इमेज थी, जो भी आपने पिक्चर ऐड की थी, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। क्लास अब क्या होता है, हमने अभी तक देखा कि डेट एंड टाइम को इंसर्ट कैसे करते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं, टाइटल को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हेडर के अंदर वो है पेज नंबर। देखो कई बारी क्या होता है, हमें पेज नंबर एंटर करना पड़ जाता है इन हेडर, तो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन अ हेडर। पहला स्टेप वही रहेगा, आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करते ही आपका हेडर फुटर और पेज नंबर का ऑप्शन आ गया हेडर एंड फुटर सेक्शन में, तो आपने पेज नंबर पे क्लिक करना है। इस बार पेज नंबर पे क्लिक करके देखो यहाँ टॉप ऑफ पेज पे जाए, बड़ा सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है ना, मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया पेज नंबर आ गया, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब मैं चेक करूँ कि हर पेज पे आया नहीं, यहाँ पे क्या है पेज नंबर वन, यहाँ देखोगे तो पेज नंबर टू, यहाँ पर देखोगे तो पेज नंबर थ्री। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पेज नंबर है वो हर पेज के लिए डिफरेंट होगा। देखो बुक का नेम सेम हो सकता है, टाइटल का नेम सेम हो सकता है, ऑथर का नेम सेम हो सकता है, लेकिन पेज नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, हर पेज नंबर डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर लेता है, आपको नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगी कि आप पेज बस यहाँ से बता दोगे कि आपका स्टार्ट करना है, आगे के पेज नंबर वो खुद दे देगा उनको, और अपने आप वन वन इंक्रीज किया होगा कि जैसे यहाँ पे टू आया है और नेक्स्ट पेज पे आपका थ्री आया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, क्लास डबल क्लिक करके देखते हैं हम पेज नंबर के ऑप्शन पे। पेज नंबर में बड़े सारे स्टाइल होते हैं, ये तो मैंने प्लेन नंबर टू ही ले लिया था, अगर मैं इधर इसको स्क्रॉल करूँ तो यू कैन सी ओवर हियर बहुत सारे स्टाइल है, विच एवर स्टाइल यू लाइक यू कैन चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सारे आपके स्टाइल होंगे, ये देखो वर्टिकल आउटलाइन वन, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल आउटलाइन टू, स्टाइलिश स्टाइल्स हैं, सर्कल की फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जोन से वाला स्टाइल आपको पसंद है, ऐसे मान लो मुझे ये भी अच्छा लगा तो मैं इसको भी इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये पेज नंबर बन गया, ठीक है। चलो अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अभी ये पेज नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है ना, मान लो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा पेज नंबर वन से स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, मैं आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाती हूँ कि कैसे आप अपने पेज नंबर में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कि आपको ज़रूरी नहीं है पेज नंबर वन से ही स्टार्ट हो, आप पेज नंबर को किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो जो आपकी विश होती है। सबसे पहले आपको इस पर डबल क्लिक करना है, पेज नंबर पर जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर के ऑप्शन पर जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर एक तो ना आप ये बता सकते हो कि आप किस टाइप के पेज नंबर चाहते हो, 1, 2, 3 की फॉर्म में, -1, -2 की, ABC, कैपिटल ABC या ये रोमन नंबर्स, स्मॉल लेटर रोमन नंबर या कैपिटल लेटर रोमन नंबर, वो आपकी विश है। मान लो मैंने बोला कि मुझे स्मॉल ABC की टर्म्स में पेज नंबर चाहिए, दूसरी चीज़ मैंने बोली कि मुझे A से स्टार्ट नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम A लेटर,
आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम से ई, मेरे को ई से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी और ई पे आ गई, ई पे आते ही मैं ओके कर देती हूँ। अभी कुछ नहीं आएगा, देखो नहीं आया ना अभी। अब मैं क्या करती हूँ, पेज नंबर पे गई और यहाँ टॉप ऑफ पेज पे जाके मैंने बोला मेरे को से ये वाला स्टाइल चाहिए, आई एम गोना चूज़ माई स्टाइल नाउ, तो आया सर कि मेरे को ये वाला पसंद है ब्रैकेट वाला, मैंने ब्रैकेट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप ये देखो पेज नंबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आ कौन सा लेटर रहा है, ए नहीं आ रहा, ई आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने फॉर्मेट बॉक्स में क्या कर दिया था, स्पेसिफाई किया था कि मेरे को ए बी सी वाला फॉर्मेट चाहिए, लेकिन जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हो वो ई हो, वो ए ना हो, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या आया है, ई अल्फ़ाबेट आया है। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ, अब मैं देखती हूँ आगे के डॉक्यूमेंट्स में क्या एफ जी आ रहा है। यस, यहाँ पे आपका एफ आ रहा है, और अगर इससे आगे करूँ तो यू कैन सी यहाँ पे जी भी आ रहा है, मतलब उसने वही किया जो मैंने फॉर्मेटिंग की सेटिंग की थी। एक बार सेटिंग हम दोबारा से देख लेते हैं, डबल क्लिक पे जाना है, पेज नंबर ऑप्शन पे जाना है, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाना है, यहाँ पे आपको जोन से वाला फॉर्मेट पसंद हो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड स्टार्ट एट पे जाके आप जिस अल्फाबेट से, जिस नंबर से सेवन से स्टार्ट करना चाहते हो, एट से स्टार्ट करना चाहते हो, या जेड से स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप अल्फाबेटिकली चल रहे हो तो विच एवर अल्फाबेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन राइट दैट अल्फाबेट और नंबर ओवर हेयर, ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, पेज नंबर नहीं आएगा। उसके बाद आप अपना इन ऑप्शंस में जाके जैसा भी पेज नंबर लेना चाहते हो बस उस पर क्लिक कर दो, जौन सा स्टाइल चाहिए, जब वो स्टाइल आएगा उस स्टाइल के साथ जो आपने फॉर्मेटिंग की थी पेज नंबर उसके अकॉर्डिंग आएगा, और हर पेज पे उस वन वन इंक्रीमेंट के साथ आएगा। जैसे यहाँ पर ई है तो नेक्स्ट में आपको एफ मिल रहा है और नेक्स्ट में आपको जी मिल रहा है। तो बेटा हेडर में अभी तक हमें यही स्टडी करना था, हेडर का टॉपिक ऑन प्रैक्टिकल हमारा भी कंप्लीट होता है। नाउ क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग फुटर्स। देखो बेटा फुटर क्या होते हैं, फुटर इज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन। देखो अभी तक हमने हेडर के बारे में पढ़ा था, तो हेडर आपका कहाँ पर आता था, टॉप मार्जिन के अंदर। सिमिलरली फुटर क्या होता है, फुटर वो सेक्शन होता है आपके डॉक्यूमेंट का जो आता है बॉटम मार्जिन के अंदर। अगर आप फिर से ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो जो आप चाहते हो सारे पेजेस पर आए, ठीक है, आपके सारे जितने भी पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के उस सारे पेजेस पर वो टेक्स्ट आए या वो पिक्चर आए या वो डेट एंड टाइम आए, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, फुटर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फुटर ऑप्शन को यूज़ करने का वे बिल्कुल सेम है जैसे आप हेडर को यूज़ कर रहे थे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हेडर एंड फुटर टैब में जाना है, सॉरी ग्रुप में जाना है, इस ग्रुप के अंदर आपको फुटर का ऑप्शन मिल रहा है। अब ये जितने भी हैं ना सारे सैम्पल फुटर के स्टाइल्स हैं, जौन से वाला स्टाइल आपको पसंद हो यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टाइल, ठीक है, जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, आपका फुटर आ जाएगा। मान लो मुझे ये पसंद है, मैंने इसको कर दिया, अब जैसे मैं इस पर क्लोज करूँगी तो यू कैन सी मेरे फर्स्ट पेज के नीचे ये आ गया है सिंबल सा, लोगो सा, सेकंड पेज के नीचे भी आ रहा है और थर्ड पेज के नीचे भी आ रहा है। तो क्या हुआ, ये मेरा फुटर बन गया, ये अब जो ये आपकी पिक्चर है ये क्या होगी, ये हर पेज के नीचे आएगी और ये मेरी क्या बन जाएगी, फुटर। फुटर के अंदर बेटा आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो जो आप हेडर में कर रहे थे, जैसे आप डेट एंड टाइम कर रहे थे, आप पेज नंबर्स कर रहे थे, आप पिक्चर्स कर रहे थे, डिपेंड करता है आपको करना क्या है, स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको एक सिखा देती हूँ कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, बाकी सारा स्टेप तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप कहाँ गए, इंसर्ट पे गए, फुटर पे गए, आप रिमूव फुटर कर दो, मुझे ये वाला फुटर नहीं चाहिए कि मुझे इमेज ऐड करनी है ना, ठीक है, आपने फुटर को रिमूव कर दिया। उसके बाद आप फिर से फुटर ऑप्शन पे गए, कोई सा ले लो, इसको हमने क्या किया, यहाँ से हम बैक स्पेस कर देते हैं और फिर हम चले जाते हैं पिक्चर्स के ऊपर, पिक्चर पे क्लिक किया, मुझे मान लो ये वाली जो मेरी इमेज है ये इंसर्ट करनी है एज अ फुटर। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी अब मैं इसको सेट कर सकती हूँ इमेज को, ये मेरी फुटर में सेट हो गई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब आप ये देखो ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है तो इसके नीचे ये इमेज आ रही है एज अ फुटर, अगेन ये नीचे आ रही है एज अ फुटर,
अगेन ये आ रही है एज अ फुटर। अब ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मान लो अगर आप पेज नंबर्स चाहते हो तो पेज नंबर्स भी आप फुटर में ऐड कर सकते हो। मैं रिमूव कर देती हूँ इसको अगर मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए होगा, मुझे पेज नंबर चाहिए होगा तो मैं बॉटम ऑफ पेज पे चली जाऊँगी। मान लो मैंने बोल दिया कि मुझे इस वे से चाहिए तो मैंने ई पे क्लिक कर दिया। अब आप देखो बॉटम ऑफ पेज से ये ऑटोमेटिकली फुटर में ही आएगा। और मैंने फॉर्मेट पेज में जाके सेटिंग कर रखी थी ना कि मेरा ई अल्फाबेट से पेज नंबर आए, तो इसलिए ये ई से ही आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये चेक करो, यहाँ पर आपका ई आया है पेज नंबर, नेक्स्ट में आपका एफ आ रहा है और उससे नेक्स्ट में आपका जी आ रहा है। इसके अलावा अगर आप मानो कि आप फुटर में ये चाहते कि किप्स पब्लिकेशन लिखा हुआ आ जाए, जो कि एक बुक का टाइटल है, तो हम वो भी कर सकते थे। पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फुटर में जाके मान लो मैं ये वाला ले लेती हूँ टाइप टेक्स्ट और दर मैं टाइप कर देती हूँ किप्स पब्लिकेशन, ठीक है। जय, और इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ मान लो, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब आप देखोगे किप्स पब्लिकेशन जो है एज अ फुटर हर एक पेज के नीचे आएगा, ठीक है। तो फुटर क्या होता है, वो टेक्स्ट जो बॉटम के हमेशा नीचे आता है, यानी बॉटम मार्जिन में अपीयर होता है वो आपका फुटर होता है, जो टॉप मार्जिन में अपीयर होगा आपका वो हेडर होगा। बाकी वो सारी चीज़ें आप सेम इंसर्ट कर सकते हो जो हेडर में कर सकते थे। एंड ये भी सेम ही है कि जो टेक्स्ट आप फुटर में एंटर करोगे इट विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी चीज़ आप फुटर में डालोगे वो आपके हर पेज के ऊपर आएगी। तो क्लास आई होप आपको हेडर का टॉपिक भी समझ में आया होगा।